हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीपैक 2024 क्रैश कोर्स। अभी इन सेशन 19 में हम देखने वाले हैं अबाउट वेरियस स्टडी डिजाइंस। सो स्टडी डिजाइंस में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लाइक सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन, सिंगल डोज क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन, रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन, उसमें भी दो टाइप है, पार्शियल रेप्लिकेट, फुल रेप्लिकेट। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 2021 या 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रॉम योर जीपैट परस्पेक्टिव। तो अभी स्टडी डिजाइन्स को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन, दूसरा है टू पीरियड टू सीक्वेंस टू ट्रीटमेंट सिंगल डोज क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन, और तीसरा है सिंगल डोज रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन। सो ये तीनों भी सिंगल डोज के एग्जाम्पल्स है। मल्टीपल डोज भी आप कर सकते हैं, इन्हीं डिजाइन को लेके आप मल्टीपल डोज भी कर सकते हो, मगर हम पढ़ने वाले सिंगल डोज स्टडी डिजाइन बिकॉज इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज स्टडी डिजाइन। सो अभी सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन, क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन और रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन में भी दो टाइप है, पार्शियल रेप्लिकेट और फुल रेप्लिकेट। इनमें डिफरेंसेस क्या है चलो जानते हैं। तो अभी बाइक्वेलेंस, हाँ उस वो कंसेप्ट जानने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि बाइक्वेलेंस स्टडी हमेशा हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट के ऊपर ही की जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के तीन स्ट्रेंथ्स। सो एजिथ्रो टैबलेट्स के तीन स्ट्रेंथ्स है, एक 600 mg, 600 mg, एक 500 mg और एक 250 mg। सो हमेशा बाइक्वेलेंस स्टडी ऑफ अ हाईएस्ट स्ट्रेंथ ही किया जाता है, इसीलिए 600 mg के ऊपर बाइक्वेलेंस स्टडी होगा और फिर उसके बाद आप बायो एवर ले सकते हो फॉर 500 mg और 250 mg। ओके, अभी सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन मतलब क्या? सो सिंगल डोज मतलब एक ही डोज दिया जाएगा ऑफ अ टैबलेट। सो यूजुअली हमारे पास एक 24 वॉलेंटियर्स रहते हैं, मोस्टली रफली एक आइडियल 24 वॉलेंटियर्स रहेंगे। उन 24 वॉलेंटियर्स को दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पहला रहेगा ऑफ 12 और दूसरा रहेगा ऑफ 12। सो दिस विल बी ग्रुप ए और सेकंड विल बी ग्रुप बी। ओके, सो ग्रुप ए में 12 हेल्दी वॉलेंटियर्स रहेंगे, ग्रुप बी में 12 हेल्दी वॉलेंटियर्स रहेंगे। अभी पैरेलल स्टडी डिजाइन, पैरेलल स्टडी डिजाइन मतलब दोनों ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली पैरेललली ड्रग दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। तो डिफरेंस क्या है, ग्रुप ए रहेगा या उन्हें पीरियड वन भी कहेंगे, उन्हें टेस्ट ड्रग, टी मतलब टेस्ट, टेस्ट ड्रग मतलब जेनेरिक ड्रग। ओके, जो हमारा टेस्ट ड्रग है, हमारा जेनेरिक फॉर्मुलेशन है, उसे हम ग्रुप ए या पीरियड वन को देंगे और ग्रुप बी या पीरियड टू को हम आरएलडी देंगे। आरएलडी, आरएलडी मतलब रेफरेंस लिस्टेड ड्रग या इनोवेटर ड्रग या इनोवेटर, हम उन्हें इनोवेटर देंगे बिकॉज हमें बेसिकली बायोइक्विवेलेंस में क्या करना है, कंपेयर करना है हमारा जो जेनेरिक फॉर्मुलेशन है उसका सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी आता है या नहीं विथ रिस्पेक्ट टू आरएलडी या इनोवेटर, ये हमें डिटरमाइन करना है। सो पैरेलल स्टडी डिजाइन में हम ग्रुप ए को हमारा जेनेरिक देंगे, ग्रुप बी को हम हमारा आरएलडी प्रोडक्ट देंगे और दोनों का स्टडी साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। दोनों के जो टाइम पॉइंट्स रहेंगे वो साइमल्टेनियसली हम पुल आउट करेंगे और हमें उसे एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हमें कंपेरेटिव स्टडी मिलेगा कि ग्रुप ए को टेस्ट देने के बाद और ग्रुप बी को आरएलटी देने के बाद क्या सिमिलर बिहेवियर है या नहीं, वो हमें डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन। अभी इसमें एक ड्रॉबैक है या इसमें एक लिमिटेशन है, बिकॉज ग्रुप ए के जो वॉलेंटियर्स है और ग्रुप बी के जो वॉलेंटियर्स है उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, एथनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी प्लस और माइनस डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर रहेगा एक ड्रग का, एक मेडिसिन का, उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए उस लिमिटेशन को नलीफाई करने के लिए हमने एक सेकेंड टाइप ऑफ डिजाइन स्टडी किया,
उसे कहते हैं क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। सो क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन में क्या होता है, ग्रुप ए रहेगा और ग्रुप बी रहेगा, दोनों में 12-12 हेल्दी वॉलेंटियर्स हैं, करेक्ट। मगर अभी इसमें दो सीक्वेंसेस चलेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस या फर्स्ट टेस्ट में हम पीरियड वन या ग्रुप ए को टेस्ट देंगे, पीरियड बी या पीरियड टू या ग्रुप बी को हम आरएलडी देंगे। वो सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद हम इंटरचेंज करेंगे, हम ग्रुप ए को आरएलडी देंगे और ग्रुप बी को टेस्ट प्रोडक्ट देंगे। इससे फायदा क्या होगा, हमें जो ग्रुप ए के वॉलेंटियर्स हैं उनको हम दोनों भी दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं और आरएलडी भी दे रहे हैं। सिमिलरली ग्रुप बी के लोगों को हम टेस्ट भी दे रहे हैं और आरएलडी भी दे रहे हैं। इसकी वजह से हमें एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगा, हमारा जो डेटा रहेगा वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, और इससे जो भी डेटा आएगा उससे हम इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि यस सेम या मल्टीपल जो वॉलेंटियर्स है उनमें हमारा जो जेनरिक फॉर्मुलेशन इज बायो इक्वेलेंट विद दी आरएलडी फॉर्मुलेशन, ये हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इसीलिए मोस्ट प्रोमिनेंटली मोस्ट वाइडली रिकमेंडेड जो स्टडी डिजाइन है वो है टू पीरियड टू सीक्वेंस क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। ओके, दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिकमेंडेड डिजाइन बाय USFDA फॉर डिटरमाइनिंग बायो इक्विवेलेंसी। सो हमेशा याद रखना कि टू पीरियड टू ट्रीटमेंट, टू पीरियड मतलब दो ग्रुप्स, टू सीक्वेंसेस मतलब सीक्वेंस वन सीक्वेंस टू, बिकॉज हम इंटरचेंज करने वाले हैं, और टू ट्रीटमेंट मतलब एक टेस्ट और दूसरा है आरएलडी। क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन मतलब सीक्वेंस वन में टेस्ट एक ग्रुप को दिया है, आरएलडी को दूसरा ग्रुप दिया है, उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं, पहले ग्रुप को हम फिर आरएलडी देंगे, दूसरे ग्रुप को हम फिर टेस्ट देंगे। अभी जो थर्ड टाइप है दैट इज रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन। रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन का मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक हाईली वेरिएबल ड्रग होगा उस वक्त हम रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन करते हैं। और रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन में भी दो टाइप है, एक पार्शियल रेप्लिकेट और दूसरा है फुल्ली रेप्लिकेट स्टडी। सो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास एक हाईली वेरिएबल ड्रग हो, हाईली वेरिएबल मतलब क्या, अगर एक पर्सन है, हमारे पास दो पर्सन है, एक पर्सन में वो ड्रग दिया उसका जो बायो फार्माकोकाइनेटिक रहेगा डेटा रहेगा वो डिफरेंस रहेगा देन दी पर्सन सेकेंड। सो इसीलिए हम उसे कहते हैं हाईली वेरिएबल ड्रग। जब भी वो बॉडी में जाता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है, वो डिफर करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो इसे कहेंगे हम हाईली वेरिएबल ड्रग। सो हमको जब भी ऐसा ड्रग मिलता है जो हाईली वेरिएबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देता है उस वक्त हम रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन यूज करते हैं। और एक सेकेंड पैरामीटर है, सेकेंड क्राइटेरिया भी है, अगर हमारे पास एक नैरो थेरापियूटिक इंडेक्स ड्रग है विद हाईली हाईली इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। हाईली इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मैंने अभी बताया कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, दोनों को अलग ड्रग दिया है, तो उस ड्रग का जो बिहेवियर रहेगा वो चेंज होते रहेगा, वो सिमिलर नहीं आएगा, तो उसे हाई इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी कहेंगे। तब उस वक्त हम रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन यूज करते हैं। तभी पार्शियल रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन कब यूज करेंगे और फुल रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन कब यूज करेंगे? पार्शियल रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन यूज करेंगे जब हमें जो हमारा रेफरेंस प्रोडक्ट है वो एग्जिबिट करता है सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। जो मैंने कहा एक सब्जेक्ट में दिया उसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो अलग है, दूसरे सब्जेक्ट में दिया उसका फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर अलग है, उसे कहेंगे सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। अगर हमारा जो आरएलडी है वो वैसे बिहेव करता है तो हम पार्शियल रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन यूज करते हैं। पार्शियल रेप्लिकेट मतलब क्या, हमारे पास तीन ग्रुप है ए बी सी और हम तीन सीक्वेंसेस में वो मेडिसिंस देने वाले हैं, तो पहला आता है टेस्ट, दूसरा आता है आरएलडी 1 और तीसरा आता है आरएलडी 2। सो दो आरएलडी यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो आरएलडी प्रोडक्ट है वो दो सब्जेक्ट्स के में डिफरेंट बिहेवियर देने वाला है, इसीलिए हम दो आरएलडी यूज कर रहे हैं। तो पीरियड वन में हम टेस्ट देंगे, पीरियड टू में आरएलडी 1 देंगे, पीरियड 3 में आरएलडी 2 देंगे, फिर सीक्वेंस हम इंटरचेंज करेंगे, हम आरएलडी 2
ग्रुप को देंगे हम RLD2, पहले ग्रुप को देंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर RLD1, और फिर सीक्वेंस 3 में RLD1 पहले आएगा, फिर RLD2 आएगा, और फिर टेस्ट आएगा। सो ऐसे सीक्वेंसेस में वो डिजाइन कैरी फॉरवर्ड होता है। और फुल रेप्लिकेट में हम क्यों कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग होगा तब हम फुल रेप्लिकेट यूज करेंगे। फुल रेप्लिकेट में हम क्या करेंगे, चार ग्रुप लेंगे, ए बी सी और डी, और दो सीक्वेंसेस में चलेगा जिसमें टेस्ट रेफरेंस वन, टेस्ट टेस्ट वन रेफरेंस वन, टेस्ट टेस्ट टू रेफरेंस टू, और फिर हम इंटरचेंज करेंगे रेफरेंस टू टेस्ट वन रेफरेंस वन टेस्ट टू, ऐसे। ओके, सो फुल रेप्लिकेट मतलब सभी ग्रुप्स को सभी डोसेज फॉर्म्स मिलने वाले हैं, तो उसे कहेंगे हम फुल रेप्लिकेट स्टडी। अभी एग्जाम्पल्स, ये दो एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का स्टडी होता है वो फेड कंडीशन और फास्टिंग कंडीशन में होता है, और वो क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन है। सिस्टामाइन बाइटाइट्रेट डिलेड रिलीज टैबलेट का फेड फास्टिंग एंड स्प्रिंकल्ड बाइक्वेलेंस स्टडी है। स्प्रिंकल्ड बाइक्वेलेंस स्टडी मतलब वो हमने पिछले सेशन में देखा है। मेस्लामाइन डिलेड रिलीज टैबलेट, अभी मेस्लामाइन डिलेड रिलीज टैबलेट का जो डिजाइन स्टडी है वो सिंगल डोज पार्शियल या फुल्ली रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन है। अभी इसमें हम रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन यूज कर रहे हैं बिकॉज उसमें इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी है, इसीलिए हम मेस्लामाइन जो डिलेड रिलीज टैबलेट है उनका रेप्लिकेट क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन करते हैं। कार्बामाजेपैन टैबलेट, उसका भी फुल्ली रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन है। फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट इंजेक्शन, उसका सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन है, जो डिपॉट फॉर्मुलेशन है ना, जब भी हम डिपॉट फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तब हम सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास डिपॉट फॉर्मुलेशन होगा तब हम सिंगल डोज पैरेलल स्टडी डिजाइन करेंगे, जब भी हमारे पास नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग होगा एग्जाम्पल एस कार्बामाजेपिन तब हम फुल्ली रेप्लिकेट क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन करेंगे, और एक हमारे पास इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी का ड्रग होगा तो हम पार्शियल रेप्लिकेट स्टडी यूज करेंगे। अभी इसी के ऊपर जीपैट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर अ सब्सटेंस विथ हाईली वेरिएबल फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स द फॉलोइंग बाइकवैलेंसी स्टडी डिजाइन इज यूज्ड एंड द करेक्ट आंसर विल बी रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन। रेप्लिकेट स्टडी डिजाइन में हमेशा एक हाईली वेरिएबल ड्रग होगा उसका हम स्टडी करते हैं, या नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग होगा तो भी हम यूज करते हैं। 21 में भी क्वेश्चन था इसी कंसेप्ट के ऊपर कि फॉर डेपोट इंजेक्शन इन विच ड्रग इज स्लोली रिलीज ओवर वीक्स और मंथ्स विच बाइकवैलेंस स्टडी डिजाइन इज यूज्ड, करेक्ट आंसर विल बी नॉन रेप्लिकेट पैरेलल स्टडी डिजाइन, बिकॉज ये जो डेपोट इंजेक्शन है वो बहुत वीक्स तक, बहुत महीनों तक उसका रिलीज देने वाला है, तो इसमें मोस्ट फिजिबल रहेगा वो रहेगा पैरेलल स्टडी डिजाइन व्हिच विल बी अ नॉन रेप्लिकेट। सो ऐसे दो क्वेश्चंस थे 19 और 21 में जिन्हें फार्माको बाइकवैलेंस डिजाइन स्टडी के ऊपर पूछे गए थे। अभी सेशन 20 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट IVIVC, और 2018 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।